हम किसी भी गेम को चेंज कर सकते हैं इससे, इसमें बताता हूँ कैसे। तो यार 2016-17 में मुझे डार्क सोल्स बिल्कुल पसंद नहीं था। सच में मुझे समझ ही नहीं आता था कि लोगों को ये पसंद कैसे आता है, पर यह 2020 में ये चेंज हो गया और डार्क सोल्स मेरे फेवरेट गेम्स में से एक बन गया। तो चलो बताता हूँ कि ये कैसे हुआ और कैसे ये ओनली सोल्स लाइक गेम्स के लिए नहीं बल्कि किसी भी तरह के गेम्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये तो किसी से सुना ही होगा कि यार मुझे वो एक्सट्रीमली पॉपुलर वीडियो गेम खेलना है, तू नहीं तेको सब खेलते हैं, पर उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, पता नहीं सबको ये गेम पसंद क्यों आती है। ऐसा मेरे साथ भी डार्क सोल्स को लेकर हुआ, यही नहीं इसके जैसे ही ब्लडबोर्न, हॉलो नाइट के साथ भी। मतलब वो गेम्स जो बहुत चैलेंजिंग और पनिशिंग हो पसंद ही नहीं आते थे। मुझे भी सबकी तरह ये गेम्स एंजॉय करनी थी। मैंने बहुत रिव्यूज पढ़े, लेट्स प्ले देखे और स्पीड रन्स भी, और सभी का सेम ही रिस्पॉन्स रहता था कि ये वन ऑफ द बेस्ट गेम है, बहुत अच्छी गेम है, सभी को कम से कम एक बार तो खेलनी ही चाहिए। ऐसा लगता था कि सबको समझ में आ रही है, बस मेरे को ही पल्ले नहीं पड़ रही है। तो मुझे लगा कि इन सब से थोड़ा ब्रेक लें और इस पीयर प्रेशर को थोड़ा डिफ्लेक्ट करूं, और फिर मैंने ये डिफ्लेक्ट करने वाली गेम खेली। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था सेक्योरो को लेकर कि ओनली इसमें डिफ्लेक्ट ही तो करना है, ना अलग अलग स्टेटस की जनरेट और ना वेपन चेंज। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितना गलत होने वाला हूँ, बट पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत पसंद आई, इतना कि मैंने इसके पूरे चैलेंजेस कंप्लीट किए, एक एक डायलॉग ध्यान से सुना और ये मेरी फेवरेट गेम्स में से एक बन गई। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे थे तो पता चल रहा होगा कि इस बात का कोई सेंस तो बन नहीं रहा, क्योंकि सेकिरो एक हार्ड गेम है और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे हार्ड गेम्स पसंद नहीं है। तो सेकिरो में ऐसा क्या अलग है डार्क सोल्स या सिमिलर गेम्स से? ये बिल्कुल सिंपल है, सेकिरो वांट्स यू टू विन और डिफिकल्टी भी स्लोली इंक्रीज होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। गार्डियन एप चैलेंजेस भी ऐसे प्रेजेंट किए हैं कि वो लगते बड़े हैं पर हैं नहीं। माना यह गेम बहुत चैलेंजिंग है बट पनिशिंग नहीं है। एक मेरे इम्पोर्टेंट डिफरेंस की बात कर ले चैलेंजिंग और पनिशिंग के बीच, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। कैसे बताता हूँ, गेम्स में चैलेंज का जनरली मतलब होता है कि डेथ को प्रिवेंट करने की डिफिकल्टी कितनी है, और दूसरी तरफ पनिशमेंट का मतलब कि क्या होगा डेथ के बाद। एक एग्जांपल लेते हैं, सबने फ्लपी वर्ड का गेम तो देखा ही होगा या खेला होगा, जिसमें पाइप्स के बीच से जाना होता है और फेल होने पर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। तो ये दोनों है, चैलेंजिंग भी और पनिशिंग भी। एक तो पाइप के बीच से जाना ही डिफिकल्ट है और फेल हुए तो दोबारा स्टार्ट। अगर हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई करें कि हर एक पाइप क्रॉस के बाद चेक पॉइंट हो, तो ये गेम अभी भी चैलेंजिंग है, बिकॉज पाइप के बीच से जाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना पहले था, बट पनिशिंग नहीं है क्योंकि फेलियर पर पेनल्टी ज्यादा नहीं है। समझ आए हो ना? तो अब वापस सेकिरो पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सेकिरो वांट्स यू टू विन, अगर हम फेल भी हो तो वो ज्यादा पनिश भी नहीं करता है, बस डेथ रूट को ध्यान में रखना है, नहीं तो एनपीसी से बात नहीं हो पाएगी। अगर डेथ हुई तो वापस से स्टार्ट करना होता है। इसी सिस्टम को लेकर कुछ अलग हुआ, जैसे जैसे मैं सेकिरो को खेलते रहा और बॉस चैलेंजेस को कंप्लीट करता गया, मैं इस गेम को एंजॉय करने लगा और गेम खत्म होने के बाद सारे ऑप्शनल बॉसेस और आइटम्स देखने लगा, और जो अचीवमेंट मिला था फर्स्ट टाइम चैलेंजेस को ओवरकम करने का, उसको रिकैप्चर करने की कोशिश करता रहा। पर आखिर में इसका कोई मतलब नहीं था जब मैं लास्ट चैलेंजेस को कंप्लीट किया और सोचा कि वो अचीवमेंट वाली फीलिंग तो फिर आएगी नहीं। ओ हाँ, याद आया, फिर मुझे समझ में आया कि लोगों को डार्क सोल्स क्यों इतनी पसंद आती है, वो भी इसी फीलिंग को चेस करते हैं जो मैं कर रहा था, इतना कि मुझे अब वो डार्क सोल्स पसंद आने लगी थी। वैसे ये आइडिया ओनली सोल्स लाइक गेम्स तक नहीं है, हम इसको किसी भी गेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरह के गेम को एंजॉय कर सकते हैं, अगर उस गेम का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन का आइडिया हमें पसंद आता है तो। इसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ स्पेशल मिला है, कुछ तो होना चाहिए कि हम सभी गेम्स को एंजॉय कर सकें, और मुझे लगता है कि वो मुझे मिल गया है। तो इसके दो रास्ते हैं, पहला तो गेम खेलने की इच्छा, इसके बाद सीधा क्वेश्चन बनता है कि वो इच्छा आए कहाँ से। तो हो सकता है कि कोई न्यू गेम को अपना फ्रेंड रिकमेंड करे, या कोई ट्रेलर, या कोई यूट्यूबर जैसे आप सब्सक्राइब करना चाहते हो क्योंकि आपको उसका कंटेंट पसंद आता है, या कोई गेम के जनरल लोग, इनमें से कोई भी। अगर इनमें से कोई भी नहीं तो अब दूसरा रास्ता, हमारा कोई पहले से उस गेम के साथ कनेक्शन होना चाहिए। एक मिनट समझाता हूँ, मानकर चलो कि आपको कोई फाइटिंग गेम खेलना है और आप उस गेम में बहुत बुरे हो, तो उस गेम को खेलने का एंट्री पॉइंट तो बहुत हाई होगा क्योंकि बाकी सब तो आपसे अच्छा खेलते हैं ना, और उसके हिसाब से आपको फाइटिंग गेम पसंद नहीं आते हैं। बट मुझे ड्रैगन बॉल पसंद है क्योंकि उसे बचपन से देखा है और उसके कैरेक्टर्स के साथ एक मेरा एक कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन की वजह से मेरी एंट्री पॉइंट कम हो जाएगी ड्रैगन बॉल जी फाइटिंग गेम के लिए, और मैं उस गेम को एंजॉय कर पाऊंगा। और अब जो मैं इसको खेल सकता हूँ तो इस गेम का नॉलेज मेरे दूसरे गेम की एंट्री पॉइंट के लिए यूज कर सकता हूँ, जैसे कि टेकन। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, कनेक्शन हमेशा थोड़ी ना मिलेगा। मान के चलो अगर आपको कोई जीआरपीजी खेलना है और कोई भी कैरेक्टर आपके किसी भी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर से मैच नहीं करता है तो क्या करें? तो ऐसे में अपने पास एक मेथड और है, पर उससे पहले वापस डार्क सोल्स पर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले पूरी बात बताई नहीं थी। जब मैंने डार्क सोल्स वापस से ट्राई की तो पता चला कि अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे इस गेम को एंजॉय करने से रोक रहा है। अगर आपने कभी भी डार्क सोल्स गेम नहीं खेला तो मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ही पनिशिंग होते हैं। जब आपके प्लेयर की डेथ होती है तो आपकी पूरी सोल्स चली जाती है, बेसिकली वो अपने
एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं और करेंसी भी होती है। अपने पास एक चांस होता है उनको वापस लेने का उसी पॉइंट पर जाकर जहाँ प्लेयर मरा हो, और अगर आपका प्लेयर फिर से मर जाता है उनको लेने से पहले तो आप उनको परमानेंटली खो देते हो। सुनने में ये बहुत पनिशिंग लगता है, लेकिन हम डार्क सोल्स के सिस्टम को समझे तो सोल्स कोई ज्यादा मैटर नहीं करती है। जो भी हमें स्मॉल एनिमीज मारने से मिलती है वो सोल्स को छोड़कर, क्योंकि उनसे वेपन भी मिलते हैं। रीजन ये है कि बहुत सारी सोल्स हैं जो एक्सप्लोर करके मिल जाएंगी और या बहुत सोल्स का यूज कर सकते हैं अगर उनका वेपन पसंद ना आए तो इसके थ्रू इजीली लेवल अप हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि जो भी नॉन बॉसेस हैं उनसे जो भी सोल्स मिलती है वो किसी ज्यादा काम की नहीं है। इसके बाद गेम पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हमें डेथ का डर तो है नहीं और वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं जो भी गेम देता है। पर ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मेरा मतलब मुझे ये गेम खेलने में पता चला था और ये कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बिकॉज पता नहीं गेम में क्या चीज अपना माइंड सेट चेंज करे। पर अपन इसको आसानी से पता कर सकते हैं, एक तो डेवलपर्स के थ्रू जिन्होंने गेम बनाया, और या तो प्लेयर्स के थ्रू जो भी उस गेम को एंजॉय करते हो। प्लेयर्स से पूछ सकते हैं या उनके बेस्ट मोमेंट देख सकते हैं कि उन्हें क्या पसंद आता है इस गेम में, और डेवलपर्स को समझना ज्यादा इजी ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो वापस डार्क सोल्स पे आते हैं। एक बार अपने माइंड में सोचो कि डेवलपर्स ने क्यों परमानेंट सोल्स हर जगह दी है, वो क्यों चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें जबकि सोल्स को वापस लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान दें तो सब क्लियर हो जाता कि जो सोल्स हमें नॉर्मल एनिमीज से मिलती है वो कोई मैटर नहीं करती, और ये सिर्फ डार्क सोल्स के साथ ही काम नहीं करता, ये हम किसी भी गेम के साथ देख सकते हैं। जैसे हम एल्डर रिंग को ही ले लें, अगर मैं मैजिशियन से खेलूं और आप नाइट क्लास से खेलें तो दोनों का एक्सपीरियंस अलग होगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन और माइंडसेट हो तो किसी भी गेम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।